हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लास, क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ईटिंग हेल्दी। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ फूड एंड सोर्स ऑफ फूड। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ फूड, फिल इन द ब्लैंक्स stating where they come from, plants or animals। ये स्टूडेंट्स नीचे पिक्चर्स दिया गया है, वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है, कहाँ से मिलता है। देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या है, चिकन है ना, ये एनिमल्स से। नेक्स्ट पिक्चर पोटैटो, ये कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से। ब्रिंजल है ना, ये प्लांट से मिलता है। एग्स, एग्स कहाँ से मिलता है, एनिमल से। ओके, राइट डाउन। फूड इज आवर बेसिक नीड, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज, डियर स्टूडेंट्स यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, इससे हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। इट helps us to grow, यह हमें बढ़ने में मदद करता है। It keeps us healthy and fit to fight diseases, dear students यह हमें बीमारियों से लड़ने के लिए स्वस्थ और फिट रखता है। Food is our basic need, it is important for us because it gives us energy to do work, it helps us to grow, it keeps us healthy and fit to fight diseases, dear students भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। यह हमें बढ़ने में मदद करता है ना, यह हमें बीमारियों से लड़ने के लिए स्वस्थ और फिट रखता है। काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी, विभिन्न प्रकार के भोजन हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं का पूरा करता है। वी नीड ऑल ऑफ देम, हमें ये सारे फूड हमें चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड, दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, डियर स्टूडेंट्स एनर्जी यानी ऊर्जा या ताकत, ताकत मिलने के लिए काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी पाने के लिए हम किस तरह के खाना खाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, पोटैटो, राइस, मेज एक्सेट्रा आर ऑल एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स, डियर स्टूडेंट्स हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी पाने के लिए किस तरह का खाना खाना चाहिए, व्हीट गेहूँ है ना, रोटी खाना चाहिए, पोटैटो आलू खाना चाहिए, राइस चावल खाना चाहिए, मेज मक्का है ना, मक्का खाना चाहिए। ये सारे एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स है। बॉडी बिल्डिंग फूड, दिस काइंड ऑफ फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ सच फूड आइटम्स इंक्लूड पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश, दाल एंड नट्स, डी स्टूडेंट्स बॉडी बिल्डिंग फूड, डी स्टूडेंट्स आपको बॉडी बिल्डिंग करना है तो आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड। डियर स्टूडेंट्स यदि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, मजबूत बनना है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, पल्सेस दाल खाना चाहिए, एग्स अंडा खाना चाहिए, मिल्क दूध पीना चाहिए, फिश मछली खाना चाहिए, नट्स मूंगफली खाना चाहिए है ना। ये सारे खाने से आपका बॉडी बहुत मजबूत हो जाएगा, इसे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटेक्टिव फूड,
दिस काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का भोजन हमें विभिन्न बीमारियों से बचाता है। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको प्रोटेक्टिव फूड खाना चाहिए। क्या क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल और प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको बीमारियों से बचना है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाना चाहिए, मैंगो, बनाना, एप्पल, वेजिटेबल्स, है ना, ये सारे खाने से आपको बीमारियों से बच सकते हैं। बैलेंस्ड डाइट। नाउ यू नो दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड सर्व डिफरेंट नीड्स। बैलेंस्ड डाइट मतलब संतुलित आहार। अब आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोजन विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति करती है ना? दे आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर अस। वे सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन ए बैलेंस्ड मैनर। दिस इज नोन एज ए बैलेंस्ड डाइट। द स्टूडेंट्स, हमें सभी प्रकार के भोजन को संतुलित तरीके से खाना चाहिए। दिस इज नोन एज ए बैलेंस्ड डाइट। इसे संतुलित आहार कहा जाता है। ए डाइट इज व्हाट वी ईट ऑन ए डेली बेसिस। ऑल्सो इंक्लूड लॉट्स ऑफ वाटर इन योर डेली डाइट। द स्टूडेंट्स, एक आहार वह है जो हम रोजाना खाते हैं। ऑल्सो इंक्लूड लॉट्स ऑफ वाटर इन योर डेली डाइट। अपने दैनिक आहार में बहुत सारा पानी शामिल होता है। टाइम टू आंसर। मैच द फॉलोइंग। एनर्जी गिविंग फूड क्या है? पोटैटोस। बॉडी बिल्डिंग फूड एग्स। प्रोटेक्टिव फूड फ्रूट्स। सोर्सेस ऑफ फूड। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड सच अस। प्लांट्स से क्या क्या मिलता है हमें? वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, है ना। सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो। कुछ सब्जियाँ हम कच्चा खाते हैं। क्या खाते हैं? कैरेट खाते हैं, सलाद्स, है ना। Some vegetables are eaten raw as salads, while some are cooked before eating. Example, cauliflower, carrot, etc. Dear students, कुछ सब्जियाँ हैं जो हम कच्चा खाते हैं, रो खाते हैं, जैसे salads, और कुछ हम पका कर खाते हैं, जैसे cauliflower, है ना, brinjal, potato, ये सारे हम पका कर खाते हैं। Fruits, fleshy parts of the plant are eaten as fruits. Example, mango, apple, grape, etc. Dear students, fruits, फल हम खाते हैं, है ना, ये भी प्लांट से मिलता है। Cereals, यानी अनाज। Plant grains used as food. Example, wheat, maize, एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ अनाज हैं जो हम भोजन के रूप में खाते हैं। क्या क्या है? व्हीट, गेहूं, मेज, मक्का, है ना। पल्सेस। पल्सेस यानी दाल। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स यूज्ड फॉर ईटिंग। पी, ग्राम, एक्सेट्रा। कुछ बीज हम भोजन के रूप में खाते हैं। क्या क्या है? पी, पी मतलब मटर, ग्राम, चना, ये सारे हम खाते हैं। ओके, मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड विच यू ईट एवरी डे, देन सॉर्ट देम इन द टेबल बिलो। डियर स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर टेबल दिया गया है,
जो आप रोज़ खाते हैं यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। नेम ऑफ द फूड आइटम, क्या क्या खाते हैं फूड आइटम में, राइस, व्हीट, मेज, फिश, पी, पोटैटो, है ना। फूड ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग, पका कर क्या क्या खाते हैं, राइस, व्हीट, फिश, पल्सेस, पोटैटो, ये हम पकने के बाद ही हम खाते हैं। फूड ईटन रो, कच्चा क्या क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं ना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, सलाद्स, ये सारे हम कच्चा खाते हैं। फूड ईटन बोथ कुक्ड एंड रो, कुछ फूड हैं जो हम पका कर खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। क्या क्या है, कैरेट है ना, और क्या है, टोमाटो, टमाटर भी हम कच्चा खाते हैं ना, पका कर भी खाते हैं, सलाद खाते हैं। नट्स, मूंगफली पका कर भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड, एनिमल्स भी हमें फूड देते हैं। काउस एंड बफालोस गिव अस मिल्क, गाय और भैंस हमें मिल्क देते हैं। चीज़, बटर, घी, पनीर एंड योगर्ट आर मेड फ्रॉम मिल्क, ये जो चीज़, बटर, घी, पनीर, ये कहाँ से बनता है, मिल्क से बनता है। वी ऑल्सो गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, अंडा और मीट कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। वन नंबर, कॉलीफ्लावर इज ए वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर एक वेजिटेबल है। कॉलीफ्लावर क्या है, फूलगोभी, है ना। पल्सेस आर सीड्स ऑफ प्लांट्स, सीड्स यानी बीज। थर्ड नंबर, मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से, ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। फोर्थ नंबर, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ज़्यादातर हमें कहाँ से भोजन मिलता है, प्लांट से मिलता है। टर्म्स, एनर्जी गिविंग फूड, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, जिसे, जिस भोजन खाने से हमें एनर्जी मिलती है, काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, फूड दैट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, जो हमें बढ़ने में मदद करता है, जो भोजन खाने से, जो फूड खाने से हमें बढ़ने में मदद करता है, उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, वेरियस डिसीजेस, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से हमें बचाता है ना, उसे, उस फूड को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। नाउ आई नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ विभिन्न तरीकों से हमारे लिए उपयोगी है। मोस्ट ऑफ आवर फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम प्लांट्स, मोस्ट ऑफ आवर फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ज़्यादातर हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे प्लांट्स से मिलता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट ए बैलेंस्ड डाइट, स्टूडेंट्स संतुलित आहार खाना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट ए बैलेंस्ड डाइट, मतलब हमें संतुलित आहार खाना ज़रूरी है। ओके,